से तो बहुत बार बात होती थी बट कभी सेंटर नहीं आया, बट आज आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गोकुल जी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे और उनके साथ जो फैकल्टी मेंबर्स काम कर रहे हैं और जो आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, एक आप मतलब पूरे देश में बहुत अच्छे सेंटर पे आप यहाँ पे आज हैं। मैं पूरे देश भर में घुमा हुआ हूँ बट इस तरह का सेंटर मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो ये बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। मुझे ये पता चला कि आप लोग बेसिकली हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, बारहवीं के बाद ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री या दूसरे कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। तो जो सीएससी का प्लेटफॉर्म है, जैसे गोकुल जी बता रहे थे कि करीब 4.5 लाख आज हमारे सेंटर्स हैं और जो बांसूर वाला जो सेंटर है वो काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है और बहुत सारे बच्चों को अलग अलग जगह पे नौकरियां भी मिली हैं। जो अलवर हम डिजिटल अलवर बना रहे हैं, जहाँ पे हर गांव में एक महिला को एक बायोमेट्रिक डिवाइस दिया जा रहा है जिससे कि वो बैंकिंग की सुविधा हासिल कर सके। तो अगर आप आज देखेंगे तो देश में जो हम बात करते हैं या जो सरकार, भारत सरकार जो सोचती है कि एडुकेशन या जो हम शिक्षा कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा से ही समाज को सुधारा जा सकता है, शिक्षा से ही आपको रोजगार मिलता है और शिक्षा ही आपको अंत तक ले जाती है। तो हमारे डॉक्टर त्यागी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो सर कहते हैं कि शिक्षा ही सीएससी का आधार है। तो शिक्षा के अंदर और जो स्किल डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं तो कई सारे कोर्सेज हैं जिसकी हम बात करते हैं। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब से कंप्यूटर आया है आज हमारी चौथी इंडस्ट्रियल क्रांति या चौथी औद्योगिक क्रांति हो रही है देश में। इसी तरह जब स्टीम इंजन आया था, जो भाप के इंजन आए थे, उसने एक औद्योगिक क्रांति लाई थी। इसी तरह जब कंप्यूटर आया था तो आप देखेंगे कि बहुत सारी धूम मची थी, तो ये एक औद्योगिक क्रांति है। अब की जो औद्योगिक क्रांति है वो आईटी के कोर्सेज के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपने अलेक्सा का डिवाइस देखा होगा जो अपने आप बात करता है, या अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो फोन में जब आप बोलते हैं तो फोन ऑटोमेटिकली आपकी बात को समझ जाता है और उस तरह काम करता है। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मशीन को समझाना कि मशीन किस तरह से अपने आप बात सुने और रिस्पॉन्ड करे, इस चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति है ये बहुत जरूरी है और इसके अंदर के जितने कोर्सेज है हमारे आईटी पे, मान लीजिए बीसीसी का कोर्स है, ट्रिपल सी का कोर्स है, जो आप बेसिक कंप्यूटर पढ़ रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो आज जब आप नौकरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या अपना कुछ खोलना चाह रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से आना चाहिए। कंप्यूटर में आप जैसे बेसिक बीसीसी का कोर्स हो सकता है, ट्रिपल सी का हो सकता है, जो नाइलिट के कोर्सेज हैं, कुछ आरकेसीएल के कुछ कोर्सेज हैं जो चलाए जाते हैं राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, इस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आज अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं या अकाउंट कॉमर्स की तरफ जाते हैं या आर्ट्स की तरफ जाते हैं तो ये जो तीन स्ट्रीम्स है इसके अलावा भी अब बहुत सारी ब्रांचेस अब ओपन हो गई हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर में बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, तो इसमें बहुत सारी नौकरियां हैं और बहुत सारे देश में जो नौजवान है वो आज भी अलग अलग देशों में जा रहे हैं, अलग अलग चीजें सीख रहे हैं। तो भारत एज सच, जब से लॉकडाउन लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगा है, बच्चे घर में तैयारियां कर रहे हैं, जिनके पास इंटरनेट है, जिनके पास कंप्यूटर है, जिनके पास मोबाइल फोन है वो खुद अपने सिस्टम से पढ़ रहे हैं, बट बहुत बच्चों ने सफर किया है, बहुतों के पास उस तरह का एक्सेस नहीं था। तो ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो गांव में एक ऐसी जगह है जहां पर जिन बच्चों के पास आईटी का इक्विपमेंट नहीं है या जिन बच्चों के पास आईटी की फैसिलिटी नहीं है, उस सेंटर पे आके वो उस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपको सेंटर दिख रहा है, यहाँ पे जितने आईटी के इक्विपमेंट्स हैं, टैबलेट हो या कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उसका आप यूज कर सकते हैं। और जो ये जो फी लगाई जाती है कुछ कोर्सेज में, कुछ कोर्सेज फ्री है जो भारत सरकार की तरफ या राज्य सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं, कुछ कोर्सेज में फी है जो बहुत ही नॉमिनल है। अगर सेम फी अगर आप बाहर इंडस्ट्री की तरफ देखेंगे या प्राइवेट में देखेंगे तो बहुत ज्यादा फी है, बट सीएससी के माध्यम से बहुत कम रेट पे ये फी से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा हम जब आईटी कोर्सेज में बात करते हैं तो कॉमर्स के क्षेत्र में टैली का कोर्स आता है या जीएसटी जो अभी नया लागू हुआ था 2 साल पहले, जीएसटी में रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, GSTR 1, GSTR 2, तो जो टैली अभी एक नया सॉफ्टवेयर आया टैली प्राइम के नाम से, जो अकाउंट्स के बच्चे हैं या जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको टैली प्राइम समझ में आना चाहिए कि टैली प्राइम कैसे काम करता है, तो बेसिक कैसे एंट्रीज होती है, कंपनी एंट्री कैसी होती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, ये बेसिक चीजें हैं जो जो हम टैली जब पढ़ते हैं तो वो हम समझाते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे
उसकी किताबें भी दी जाती हैं आपको, जिससे कि आप वो समझ सकें। आईटी के क्षेत्र में अगर आप बात करें तो बीसीसी ट्रिपल सी मैंने बता दिया, कुछ अभी हमने और कोर्सेज जैसे एक साल का डीसीए का कोर्स एक लाए हैं, कुछ एमिटी यूनिवर्सिटी और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज अवेलेबल है जो सीएससी के प्लेटफॉर्म पे है। इसके अलावा गोकुल जी ने अभी मुझे बताया योगा का भी यहाँ पे प्रशिक्षण हो रहा है, तो योग भी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जब हम हेल्थ इज वेल्थ की बात करते हैं तो आपको खुद फिट होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी जब हेल्थ ठीक होगी तभी आप बाकी चीजों में अव्वल आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप तो स्किल डेवलपमेंट में हम बात करें तो अब जो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो इंस्टीट्यूशन बना है उसके अंदर कोर्सेज को आपको क्रेडिट मिले, हर कोर्स करने का आपको एक क्रेडिट मिलता है, जिससे कि अगर आपको बैचलर्स डिग्री या अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करनी है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करनी है तो वो आप उस लाइन में जा सकते हैं। और बहुत सारी जगह पे आप अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, तो इवन बच्चे ने एक कोर्स किया है मुझे उस कोर्स में नहीं मिला, जैसे इंजीनियरिंग में करना चाह रहा है और आईआईटी में नहीं मिला, तो उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी आज की डेट में स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, बहुत जगह बहुत सारे एरियाज अवेलेबल हैं जहां पर आप अच्छे से काम कर सकते हैं, और आप चाहे सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो इसमें आप अच्छे से काम कर सकते हैं, आपको अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। या जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खुद का एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस खोलना, कोई भी जो हम स्वावलंबन की बात करते हैं या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हर गांव में या हर जिले में एक ऐसा, आप अगर वहीं पे रहें अपने माता पिता के साथ अगर रह रहे हैं तो वहीं पर आपको नौकरी होनी चाहिए, आप पलायन ना करें, तो पलायन ना करें तो नौकरियां आपको जिले में मिलनी चाहिए। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज है वो तभी मिलेंगी जब आप उस काम करने में सक्षम होंगे, और भारत सरकार इस तरह की कई सारी चीजें ला रही है, एंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम कहते हैं, जहां पर आप अपना कुछ व्यवसाय खोल सकते हैं, उसके लिए आपको ऋण जो होता है बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है और महिलाओं के लिए फ्री होता है, जो लोन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जहां पे आपको 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख इस तरह का आपको सॉफ्ट लोन मिलता है, जिसे आप बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे या फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन आपको मिलता है, जिससे कि आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग में हो या कोई और एरियाज में हो। तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, और कुछ बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, भारत सरकार के अलावा भी बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं जो स्कॉलरशिप देती है, जो बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, तो इन स्कॉलरशिप्स के जरिए भी आप पढ़ सकते हैं, आपको फंडिंग मिल सकती है। तो आज ही मैं अभी आ रहा था तो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि बैंगलोर को छोड़ के दिल्ली एक स्टार्टअप हब बन गया है, 5,000 छोटी छोटी कंपनियां दिल्ली में खोली गई हैं, और अगर आप देखेंगे तो करीब 80 कंपनियां लास्ट में जब लॉकडाउन चल रहा था 2021-22 में 80 कंपनियां हैं जिन्होंने $1 बिलियन का उनका इवैल्यूएशन हुआ है। $1 बिलियन जो कंपनी बन जाती है उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं, UNICORN, यूनिकॉर्न। तो ऐसी कंपनियां जिनका $1 बिलियन का टर्नओवर या इवैल्यूएशन होता है उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो भारत में लॉकडाउन के समय 2021 में 80 कंपनियां यूनिकॉर्न बनी। इसमें आप नाइका का नाम सुना होगा, उसके बाद छोटी छोटी कंपनीज हैं, जोमैटो है जो होम फूड डिलीवरी करती है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं सारी एरियाज में, रिटेल के क्षेत्र में है, एजुकेशन के क्षेत्र में है। एजुकेशन के क्षेत्र में जो बायजू है उसका जो इवैल्यूएशन है $10 बिलियन का, $10 बिलियन, तो इतना इवैल्यूएशन है। तो आप देखेंगे कि लॉकडाउन के समय भी काफी ग्रोथ हुई। तो एसएच करियर, जब आप करियर की हम बात करते हैं तो एक नेशनल करियर पोर्टल है जिसे हम एनसीएस कहते हैं, एनसीपी आप कह सकते हैं, नेशनल करियर पोर्टल, जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अपने आधार नंबर से। जब आप अपने आधार नंबर से रजिस्टर करेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको उसमें से मिल सकती है। और देश में जो अगर 12वीं से नीचे हैं तो अगर आपके भाई बहन कोई हैं तो आप उनको scholarship.gov.in पे भी रजिस्टर करवा सकते हैं, जहां पर अलग अलग आपको स्कॉलरशिप मिलती है पढ़ने के लिए। इसके अलावा वोकेशनल आज काफी धूम पे है कि बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, जैसे ऑटोमोबाइल मैकेनिक है या मोबाइल फोन में रिपेयरिंग के छोटे कोर्सेज हैं, तो जो आगे नहीं पढ़ सके हैं वो इस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। और अब सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आ गए, जरूरी नहीं है कि आप किसी एक एरिया में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, आप छोटे छोटे कोर्सेज भी कर सकते हैं, फाइनेंस के छोटे छोटे कोर्सेज हैं, अकाउंटिंग के छोटे कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के आप छोटे छोटे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिसका आप सर्टिफिकेट गैदर कर सकते हैं।
तो इस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप, मैं जरूर कहूंगा कि आप रोज अखबार इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको अखबार मिलता है वो जरूर पढ़ें, जिससे आपका जो सामाजिक ज्ञान है वो भी सुधरेगा, आपको समझ में आएगा, थोड़ी सी रीडिंग हैबिट होगी आपको। हम बोलना तो जानते हैं बट हम सुनना नहीं चाहते, किसी का सुनना नहीं चाहते, तो सुनने की भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपने वो एलेक्सा का डिवाइस देखा है तो एलेक्सा का डिवाइस क्या कहता है, वो आपको क्वेश्चन पूछने को मजबूर करता है। एलेक्सा का डिवाइस में आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं, जैसे कि मैं कहाँ रहता हूँ, या आज का टेम्परेचर क्या है, मुझे ये हनुमान चालीसा सुनना है या कोई और इंग्लिश गाना सुनना है। जब आप उसे बोलते हो तो वो फिर आंसर करता है। तो छोटे बच्चे की जो जिज्ञासा होती है क्वेश्चन पूछने की, बहुत सारे बच्चों में ये होता है कि क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। अगर क्लास में बड़ी क्लास है जैसे 30-40 बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चे डरे सहमे रहते हैं और टीचर से या अध्यापक से पूछ नहीं पाते। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में या तो डर जाते हैं या शर्म के मारे या किसी और वजह से पूछते नहीं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने अध्यापक से पूछें। और आज जब हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो सारे बच्चे तैयार हैं। अब अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो पहले ही आप गूगल में पढ़ के देख सकते हैं क्या। तो आज टीचर की भी भूमिका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर को आपसे आगे ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए। एक क्लास लेने के लिए करीब 4-5 घंटे टीचर ट्रेनिंग लेता है खुद। अगर उसे एक क्लास पढ़ानी है तो उसे 4-5 घंटे खुद पढ़ना पड़ता है, तभी तो वो बच्चों को पढ़ा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि लिसनिंग, जो सुनने की जो क्षमता है उसको आप बढ़ाइए। पढ़ना जो है, आपको अखबार पढ़ना है या कोई आप किताब पढ़ते हैं इंग्लिश हिंदी, वो आप जरूर पढ़िए, जिससे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, आपको नए नए शब्द पता चले। एक डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी है या हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, वो साथ लेके चलिए, जिससे कि जब भी आपको कोई कठिन वर्ड मिलता है तो आप या तो मोबाइल फोन की डिक्शनरी का यूज करें या इस तरह से यूज, तो इससे आपकी